हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो ये हमारा मैथमेटिक्स का मैक्रो लेसन प्लान है। सो जब भी हम कोई लेसन प्लान बनाते हैं तो कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन फिल करते हैं, जैसे कि सब्जेक्ट हमारा मैथमेटिक्स है, टॉपिक टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, क्लास और ये क्लास 7th का टॉपिक है। डेट आप वही फिल करेंगे जिस भी डेट में आप ये बच्चों को लेसन प्लान पढ़ा रहे हों। उसके बाद हम कुछ जनरल ऑब्जेक्टिव्स लिखते हैं। जनरल ऑब्जेक्टिव्स हमारे सब्जेक्ट ओरिएंटेड होते हैं, यानी कि अगर हम बच्चों को मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं तो उनमें किस तरह का एटीट्यूड डेवलप होगा, मैथमेटिक्स को पढ़कर वो किस तरह की एक्टिविटीज़ कर पाएंगे, मैथमेटिक्स को वो अपने डेली लाइफ में कैसे यूज़ कर सकते हैं, कैसे इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। सो ये सभी पॉइंट्स हम जनरल ऑब्जेक्टिव्स में लिखते हैं। उसके बाद हमारे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स हमारे टॉपिक ओरिएंटेड होते हैं, यानी कि अगर हम बच्चों को टाइप्स ऑफ ट्राइंगल पढ़ा रहे हैं तो वो बच्चे इसे क्या समझेंगे और वो किस तरह का क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, तो ये सभी हम स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स में लिखते हैं। देन आता है मटेरियल एड। सो चॉक, डस्ट, पॉइंटर, चार्ट, रोलर बोर्ड एक्सेट्रा, ये प्यूपल टीचर के लिए होता है। प्यूपल टीचर इनकी हेल्प से बच्चों को लेसन प्लान पढ़ाता है। देन प्रीवियस नॉलेज। सो हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ ट्राइंगल, तो हम ये मान के चलते हैं कि स्टूडेंट्स हैव प्रीवियस नॉलेज अबाउट ट्राइंगल, तो बच्चों को ट्राइंगल के बारे में तो पता ही होगा, तो तभी हम टाइप्स ऑफ ट्राइंगल पढ़ा पाएंगे उनको। उसके बाद आता है हमारे इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन। सो इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन हमारे बच्चों का इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए होते हैं। जब भी हम क्लास में आते हैं तो उन्हें डायरेक्ट पढ़ाना नहीं शुरू करते हैं, कुछ इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन पूछते हैं रिलेटेड टू टॉपिक, और ये जिगजैग फॉर्म में होते हैं, यानी जो क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर आएगा वही नेक्स्ट आंसर से हम क्वेश्चन बनाएंगे उससे ही रिलेट करके, और इस तरह हम उन्हें अपने टॉपिक पे ले आएंगे। सो क्वेश्चन फर्स्ट इज़ व्हाट वी विल गेट आफ्टर जॉइनिंग टू डॉट्स, तो बच्चे बता देंगे अ लाइन सेगमेंट। देन व्हेन थ्री पॉइंट्स आर जॉइंड व्हाट स्ट्रक्चर विल फॉर्म, सो ट्राइंगल इज फॉर्म। देन क्वेश्चन थर्ड इज़ व्हाट इज ट्राइंगल, सो इट इज़ अ क्लोज कर्व मेड ऑफ थ्री लाइन सेगमेंट्स। देन क्वेश्चन फोर्थ इज नेम सम टाइप्स ऑफ ट्राइंगल ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, तो ये प्रोबेबल आंसर आ जाएगा। तो जब भी हमारा प्रोबेबल आंसर आ जाए तो हम वहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ द एम बोल देते हैं, यानी कि स्टूडेंट्स टुडे वी विल स्टडी अबाउट द टाइप्स ऑफ ट्राइंगल। देन हम कुछ टीचिंग पॉइंट सेलेक्ट करते हैं जो हमें बच्चों को इस लेसन प्लान में पढ़ाने होते हैं। सो हमने फर्स्ट टीचिंग पॉइंट लिया है टाइप्स ऑफ ट्राइंगल ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। सो एक्सपेक्टेड बिहेवियर ऑब्जेक्टिव्स में आएगा, स्टूडेंट्स विल बी एबल टू एक्वायर नॉलेज अबाउट टाइप्स ऑफ ट्राइंगल ऑन द बेसिस ऑफ साइड। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम में हम टीचिंग लर्निंग एक्सपीरियंसेस लिखते हैं और प्यूपल टीचर एक्टिविटी लिखते हैं। सो उसमें प्यूपल टीचर सबसे पहले डेवलपिंग क्वेश्चन पूछेगा जो टॉपिक से कनेक्ट करेंगे। सो क्वेश्चन फर्स्ट इज हाउ मेनी साइड डज अ ट्राइंगल हैव, तो बच्चों को ट्राइंगल के बारे में पहले से ही पता होता है तो वो बता देंगे ट्राइंगल हैज थ्री साइड्स। क्वेश्चन सेकेंड इज वॉट इज स्केलेन ट्राइंगल, सो ये प्रोबेबल आंसर हो जाएगा। तो जब प्रोबेबल आंसर आ जाए उसके बाद हम प्यूपल टीचर स्टेटमेंट लिख देते हैं, यानी कि जो हमारा टीचिंग पॉइंट है अब हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। सो हमारा टीचिंग मेथड है जो ये क्वेश्चनिंग टेक्निक है, क्योंकि प्यूपल टीचर ने क्वेश्चन आंसर पूछे हैं, डेवलपिंग क्वेश्चन पूछे हैं बच्चों से, तो इसे हम क्वेश्चनिंग टेक्निक लिखते हैं। उसके बाद प्यूपल टीचर अपना टीचिंग पॉइंट एक्सप्लेन करेगा। सो देर आर थ्री टाइप्स ऑफ ट्राइंगल ऑन द बेसिस ऑफ साइड। फर्स्ट इज स्केलेन ट्राइंगल, ऑल द साइड्स एंड एंगल्स आर अनइक्वल। सेकेंड इज आइसोस्केलस ट्राइंगल, जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं, सारी साइड्स नहीं, टू इक्वल साइड्स होती हैं एंड एंगल्स अपोजिट दिस इक्वल साइड्स आर इक्वल। देन इक्विलेटरल ट्राइंगल, सो ऑल द साइड्स आर इक्वल एंड ऑल द थ्री एंगल्स इक्वल्स टू 60 डिग्री। तो ये हमने तीनों तरह के जो साइड के बेसिस पे ट्राइंगल होते हैं वो बता दिए हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स एक्टिविटी में आएगा, स्टूडेंट विल लिसन एंड अंडरस्टैंड केयरफुली। और हमारा टीचिंग मेथड में आएगा एक्सप्लेनेशन मेथड, क्योंकि प्यूपल टीचर ने अपना टीचिंग पॉइंट एक्सप्लेन किया है तो यहाँ पे हम एक्सप्लेनेशन मेथड लिखते हैं। उसके बाद हमने डेमोन्स्ट्रेशन किया है, सो ये डेमोन्स्ट्रेशन टेक्निक में आएगा, यानी हमने चार्ट पेपर की हेल्प से बच्चों को बताया है कि टाइप्स ऑफ ट्राइंगल ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। सो हम चार्ट पेपर से बच्चों को विजुअलाइज कराते हैं, तो उससे क्या होता है बच्चों को एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलती है। जैसे कि यहाँ पे हमने तीनों तरह के ट्राइंगल बना के दिखाए हैं और उनके बारे में कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, तो बच्चे यहाँ से अच्छे से समझ पाएंगे। देन हम एक इवैल्यूएशन क्वेश्चन लिखते हैं, जो भी हमने टीचिंग पॉइंट पढ़ाया है हम उससे रिलेट करके लिखते हैं। सो क्वेश्चन इज व्हाट इज आइसोस्केलस ट्राइंगल। देन हम सेकेंड टीचिंग पॉइंट लिखते हैं टाइप्स ऑफ ट्राइंगल ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। तो जो पहले वाला टीचिंग पॉइंट था वो ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स था और ये वाला ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स है। सो एक्सपेक्टेड बिहेवियर ऑब्जेक्टिव, स्टूडेंट्स विल बी एबल टू अंडरस्टैंड अबाउट द टाइप्स ऑफ ट्राइंगल ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। सो अगेन हम एक कॉलम बनाते हैं जिसमें प्यूपल टीचर एक्टिविटी रहती है, डेवलपिंग क्वेश्चन। क्वेश्चन फर्स्ट इज हाउ मेनी एंगल्स डज अ ट्राइंगल हैव, तो स्टूडेंट्स एक्टिविटी बता देंगे बच्चे ट्राइंगल हैज थ्री एंगल्स। देन क्वेश्चन सेकेंड इज व्हाट डू यू नो अबाउट एक्यूट एंगल ट्राइंगल, सो ये प्रोबेबल आंसर आ जाएगा। अगेन हम प्यूपल टीचर स्टेटमेंट लिखेंगे और अपना टीचिंग पॉइंट एक्सप्लेन करेंगे।
सो टीचिंग मेथड हमारा क्वेश्चनिंग टेक्निक होगा, क्योंकि बच्चों से डेवलपिंग क्वेश्चन पूछे हैं प्यूपल टीचर ने, तो ये क्वेश्चनिंग टेक्निक में आता है। उसके बाद प्यूपल टीचर अपना जो टीचिंग पॉइंट है वो एक्सप्लेन करेगा। सो देर आर थ्री टाइप्स ऑफ ट्राइंगल ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। फर्स्ट वन इज एक्यूट एंगल ट्राइंगल, अ ट्राइंगल हैविंग ऑल इट्स एंगल लेस देन 90 डिग्री। देन राइट एंगल ट्राइंगल, अ ट्राइंगल हैविंग वन ऑफ इट्स एंगल इक्वल टू 90 डिग्री। देन थर्ड इज ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, अ ट्राइंगल हैविंग वन ऑफ इट्स एंगल ग्रेटर देन 90। सो ये हमने तीनों तरह के ट्राइंगल बता दिए हैं जो कि एंगल्स पे बेसिस हैं। उसके बाद हम स्टूडेंट्स एक्टिविटी में लिखेंगे, स्टूडेंट विल लिसन एंड अंडरस्टैंड केयरफुली एंड नोट डाउन द ब्लैक बोर्ड वर्क इन देयर नोटबुक। एंड टीचिंग मेथड में हम लिखेंगे एक्सप्लेनेशन मेथड, क्योंकि यहाँ पे प्यूपल टीचर ने बच्चों को एक्सप्लेन किया है अपना टीचिंग पॉइंट। देन अगेन जो हमने टीचिंग पॉइंट पढ़ाया है उसमें से हम एक इवैल्यूएशन क्वेश्चन पूछते हैं इवैल्यूएट करने के लिए। सो व्हाट इज राइट एंगल ट्राइंगल, सो बच्चे बता देंगे यहाँ पे कि राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है। देन आता है हमारा थर्ड टीचिंग पॉइंट, दैट इज आइडियल क्वेश्चन। सो यहाँ पे प्यूपल टीचर क्या होता है कि पहले बोर्ड पे बच्चों को उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाएगा। सो प्यूपल टीचर टीचिंग प्यूपल टीचर एक्टिविटी का कॉलम बनाएंगे और उसमें हम क्वेश्चन फर्स्ट लिखेंगे, नेम द ट्राइंगल ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। तो हमने ये पीछे एक्सप्लेन किया है अपने टीचिंग पॉइंट्स में, तो यहाँ पे हमने 60 डिग्री का एंगल बनाया है और ये 45, 60 का। सो इसमें जो फर्स्ट है वो है इट इज़ अ इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल क्यों है, क्योंकि बिकॉज ऑल द थ्री एंगल्स आर इक्वल, यानी उसके तीनों एंगल 60 डिग्री थे, तो वो इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है। देन सेकेंड वन इज इट इज़ अ आइसोस्केलस ट्राइंगल बिकॉज इट हैज़ टू इक्वल एंगल्स, क्योंकि इसमें दो एंगल 60 डिग्री हैं, तो ये आइसोस्केलस ट्राइंगल है। सो ये हमारा स्टूडेंट्स एक्टिविटी में हम लिखेंगे, स्टूडेंट्स विल लिसन एंड अंडरस्टैंड केयरफुली एंड नोट डाउन द ब्लैक बोर्ड वर्क इन देयर नोटबुक। और टीचिंग मेथड में आएगा डिडक्टिव मेथड, क्योंकि हमने बच्चों को एग्जांपल के थ्रू समझाया है, तो हम इसे डिडक्टिव मेथड में लिखते हैं। उसके बाद हमारा फोर्थ टीचिंग पॉइंट, जिसमें प्रैक्टिस क्वेश्चन। अब प्यूपल टीचर ने बच्चों को क्वेश्चन समझा दिए हैं, तो वो उन्हें क्लास में प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी देगा। मैथ्स में प्रैक्टिस क्वेश्चन बहुत ज़रूरी होते हैं, सो इसे बच्चे क्या करेंगे, खुद से करेंगे। सो क्वेश्चन इज नेम द ट्राइंगल ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, तो ये हमने एंगल्स बना दिए हैं और बच्चे बताएंगे कि ये कौन से ट्राइंगल है। देन स्टूडेंट्स विल नोट डाउन द ब्लैक बोर्ड वर्क इन देयर नोटबुक एंड ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चंस बाय देमसेल्फ, तो बच्चे कोशिश करेंगे कि ये क्वेश्चन वो खुद से ही करें। और ये टीचिंग मेथड आएगा हमारा ड्रिल वर्क टेक्निक, क्योंकि हमने बच्चों को प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन दिए हैं, तो ये ड्रिल वर्क टेक्निक वो होती है। उसके बाद हम रिकैप्चुलेशन लिखते हैं। सो रिकैप्चुलेशन एक तरह का रिवीजन होता है, जो बच्चों भी हमने टीचिंग पॉइंट्स पढ़ाए हैं तो बच्चों को हम उसमें से रिवीजन कराते हैं। सो क्वेश्चन फर्स्ट इज इन दिस स्केलर एंड ट्राइंगल ओन दी साइड्स एंड एंगल्स आर अनइक्वल, सो इसमें आपको बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। देन क्वेश्चन सेकेंड इज हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ट्राइंगल ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, सो इसमें हमें ट्राइंगल बताने हैं ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। देन क्वेश्चन थर्ड इज इन एक्यूट एंगल ट्राइंगल ऑल इट्स एंगल लेस देन डैश, तो एक तरह का फिलअप है। देन क्वेश्चन फोर्थ इज व्हाट डू अंडरस्टैंड अबाउट ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल, सो इसमें हमें बताना है ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल क्या होता है। देन हम अपना ब्लैक बोर्ड का एक जो प्यूपल टीचर होता है वो एक मिनिएचर चिपकाता है अपनी नोटबुक में, उसमें क्या होता है कि हम वही जनरल इन्फॉर्मेशन फिल करते हैं और जैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाते हैं बोर्ड पे बच्चों को, तो वो हम यहाँ पे लिख देते हैं। उसके बाद लास्ट में जब हम अपने सब टीचिंग पॉइंट एक्सप्लेन कर देते हैं, रिकैप्चुलेशन कर देते हैं, तो हम होमवर्क देते हैं बच्चों को, जिससे कि जब वो कल आएँ तो हम उनका होमवर्क चेक करें। सो क्वेश्चन फर्स्ट इज डिफरेंशिएट बिटवीन द टाइप ऑफ ट्राइंगल ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स एंड एंगल्स, तो यहाँ पे हमें डिफरेंशिएट करना है। देन क्वेश्चन सेकेंड इज नेम द ट्राइंगल ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, तो ये हमें एंगल्स के बेसिस पे बताना है कि कौन से ट्राइंगल है। सो यहाँ पे लेसन प्लान खत्म होता है। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।